नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आधार कार्ड में इस तरह अपडेट करवाएं अपना नया मोबाइल नंबर। इससे मिलेंगे कई फायदे। आधार कार्ड व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। कई सरकारी व निजी कामों में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वहीं कई प्रमुख दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक करना भी अब अनिवार्य हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आधार की ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड धारक को अपने मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर करवाना होता है। आधार कार्ड के लिए नामांकन कराते समय ही व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अगर कार्ड धारक ने नामांकन के समय अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाया है या कार्ड धारक अपना नया मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कार्ड धारक को स्थायी नामांकन केंद्र जाना होता है। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया क्या है। आवेदक को अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट या रजिस्टर कराने के लिए कोई भी दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेप नंबर 1, कार्ड धारक को सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाना होता है। यहाँ कार्ड धारक को माय आधार टैब पर जाकर लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करना होगा। अब एक पेज खुलेगा जहाँ से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा कार्ड धारक अपने निकटतम नामांकन केंद्र का पता जान सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब कार्ड धारक को नामांकन केंद्र पर जाना होगा और आधार सुधार फॉर्म भरना होगा। स्टेप नंबर 3, इस फॉर्म में आधार कार्ड को अपना वह एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आधार में अपडेट करवाना है। स्टेप नंबर 4, अब कार्ड धारक को यह फॉर्म सबमिट करना होगा और प्रमाणीकरण के लिए अपने बायोमेट्रिक्स उपलब्ध करवाने होंगे। स्टेप नंबर 5, अब कार्ड धारक को एक स्लिप प्राप्त होगी। इस स्लिप में एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दिया गया होगा। स्टेप नंबर 6, कार्ड धारक इस URN का इस्तेमाल आधार अपडेशन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।